जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहपुरा के निकट अरावली पर्वतमाला के बीच तीन नदियों के संगम स्थल पर त्रिवेणी धाम स्थित है। शाहपुरा से यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर एवं जयपुर से लगभग 72 किलोमीटर है। यह स्थान कई सिद्ध महात्माओं की तपोस्थली के रूप में विख्यात है। यहाँ के प्रमुख संतों में गंगादास जी, जानकी दास जी, रामदास जी, भजन दास जी, भगवान दास जी और नारायण दास जी का नाम प्रमुख है। इस स्थान पर तीन पवित्र जल धाराओं का संगम होता है, जिस वजह से इसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। एक धारा जगदीश जी के पहाड़ों से, दूसरी पश्चिम की तरफ से एवं तीसरी धारा को यहाँ के संत गंगादास जी ने प्रकट किया था। इसे धारा जी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी का पानी इतना पावन है कि इसके स्पर्श मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र के लोगों के लिए त्रिवेणी धाम ही प्रयागराज के संगम की तरह एक पावन तीर्थ था। यहाँ पर मुर्दों की अंत्येष्टि होने के साथ साथ इनकी अस्थियाँ भी इस पानी में प्रवाहित की जाती थी। कहते हैं कि अपने अज्ञातवास के समय एक बार पांडव भी इस जगह पर आए थे और उन्होंने इस जल से अपनी तृष्णा शांत की थी। इस वजह से इस स्थान को पांडव धारा या तृष्णवेणी के नाम से भी जाना जाता है। पहले त्रिवेणी की धारा वर्ष भर बहती रहती थी, लेकिन अब यह धारा सिर्फ बारिश के मौसम में ही नजर आती है। त्रिवेणी धाम परिसर में कई धार्मिक स्थान हैं, जिनमें नरसिंह मंदिर, श्री रामचरितमानस भवन, गंगा माता मंदिर, हनुमान मंदिर, विश्व प्रसिद्ध यज्ञशाला, अवधपुरी धाम आदि प्रमुख है। विक्रम संवत 1795 में भरतदास जी काठिया के शिष्य ऋषिराज आचार्य गंगादास जी काठिया ने त्रिवेणी धाम की स्थापना की एवं यहाँ पर श्री नरसिंह स्वरूप शालिग्राम विग्रह भी स्थापित किया। गंगादास जी त्रिवेणी के तट पर स्थित उस पहाड़ी पर बैठकर प्रभु का चिंतन करते थे, जहाँ पर जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की चरण पादुकाएँ मौजूद हैं। विक्रम संवत 1814 की वैशाख सुदी चतुर्दशी के दिन गंगादास जी की आज्ञा से इनके शिष्य जानकी दास जी महाराज ने भगवान नरसिंह का मंदिर बनवाया एवं इसमें स्वहस्त निर्मित नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना की। जानकी दास जी महाराज के बाद में रामदास जी महाराज ने विक्रम संवत 1909 तक एवं भजन दास जी ने विक्रम संवत 1984 तक इस पीठ को सुशोभित किया। भगवान दास जी महाराज ने विक्रम संवत 1978 वैशाख छठ बुधवार के दिन नरसिंह मंदिर का नव निर्माण करवाकर श्री सीताराम जी के विग्रह को प्रतिष्ठित किया। आज भी त्रिवेणी धाम में यह मंदिर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता है।